प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच में एक महान हस्ती नंद किशोर जी आए हुए हैं, जो कि आर्मी में जॉब करते हैं तथा इनका काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ टीच करने में लगा है। आप जानते ही हो कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो भारत की शान है। अगर हम घर में चैन से सो रहे हैं तो इन्हीं की वजह से। तो आज हमारे बीच में है, नमस्ते नंद किशोर जी, आप बताइए कि आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो जो बच्चे नहीं हैं, ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, अच्छे स्टेटस पे हैं, सैनिक हैं, तो आप बताइए। जो सैनिक है उन्हें हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक सैनिक क्या है, एक डिसिप्लिन, बिल्कुल मतलब अनुशासन ही मतलब नाम है सेना का। यस यस, सेना का ना दूसरा नाम अनुशासन। तो अनुशासन व्यक्तियों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे क्या है, सब अनुशासित ही है। बिल्कुल। और जैसे हम सिविल में पढ़ते वैसे वहाँ भी एक HRDC होता है, वहाँ पे क्या है सारे फौजी पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल। और पढ़ाई का अलग अलग स्तर है, किसी का क्या है जो कि कोई 8वीं पास करके आया है तो उसके लिए वहाँ पे है मैथमेटिक्स सिखाना है, हर चीज है उसको मिलेगा। अच्छा, जो 8वीं पास है उसको 9वीं करवाना है, 10वीं करवाना है। नहीं, अब तो मेरे हिसाब से ऐसा हो गया कि कम से कम जो 10th या प्लस 2 है उसी को फौज में लेते हैं। कि अभी तो 10 प्लस 2 हो गया, लेकिन अभी भी फिर भी अच्छा कई ऐसे इलाके हमारे भारत में जैसे पिछले हुए आसाम हुआ, अच्छा मान लीजिए मिजोरम, वेस्ट बंगाल भी है, कहीं और है, वेस्ट बंगाल भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जम्मू है, जहाँ पे कि लोग बहुत कम पढ़े लिखे और लोगों में अपनी राष्ट्र भावना या सेना के प्रति बहुत ही प्रेम है, प्रेम हो करके वहाँ पे 8वीं क्लास से भी वहाँ पे हम उनको भर्ती में लिया जाता है। ठीक है। तो जब वो 8वीं क्लास में आ जाते हैं, अगर उनका एजुकेशन ना बढ़ाया जाए तो फिर उनका क्या है प्रमोशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको जो 8वीं पास करके आए उनको 8वीं से आगे पढ़ना पड़ता है, 9वीं 10वीं, और जैसे जैसे वो पढ़ते जाते उनका सर्विस का आयु बढ़ती चली जाती है। आपने ये भी देखा है कि जब आपने सिखाया उनको किसी का प्रमोशन हुआ भी है? हाँ, प्रमोशन क्यों नहीं हो, प्रमोशन हुआ है। जैसे फौज में है कि एक सिपाही 17 साल की ही नौकरी कर सकता है। सही बात। अब 17 साल की नौकरी कर सकता है और 17 के आगे अगर करना है तो उसका अगर प्रमोशन चाहिए तो अलग अलग यूनिटों में उसके अलग अलग मापदंड है। एक मापदंड ये है कि अगर ये 8वां पास करके आया तो नेक्स्ट प्रमोशन लेने के लिए उसको कम से कम 10वां पास करना है। उसके अलावा भी फौज में उसके अपने अपने ट्रेड वाइज अपना किस क्षेत्र का है उस हुनर में भी उसको अपना अपना कोर्स करना पड़ता है। इस तरह से फौज में जाने के बाद भी हमें काफी विभिन्न प्रकार की पढ़ाई या शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। एक बात और बताइए कि देखो जो मेरा भी एरिया है टीचिंग का है, तो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, कैसे उसकी हिस्ट्री है, कैसे बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट थे उनकी एज मतलब 20 साल से नीचे की है, जो यंग ग्रेजुएट होता है वो भी 18 साल का होता है, तो आपके पास हो सकता है 25 साल का भी हो, ठीक है, तो उनकी कैसे आप हैंडल करते हो, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझते हो और कैसे आप अपना लेवल है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ जाए इस लेवल पे अपना जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे आप अपना टीचिंग प्लान लिखते हो या सिखाते हो उनको? टीचिंग प्लान क्या है ना कि हम फौज में जो बनाया हुआ है टीचिंग प्लान वो बिल्कुल ही निम्न स्तर का बनाया हुआ है। अच्छा। कम से कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। आपकी अलग बुक्स होती हैं? हाँ, हमारी अलग, जैसे ये CBSE के बुक्स और क्या कहते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या हरियाणा बोर्ड, ऐसी नहीं है, अलग है। CBSE का जो NCERT का पैटर्न है, अच्छा, उसी को आप फॉलो करते हो? वो चलते हैं, और कुछ हमारा पर्सनल भी है, फौज की तरफ से भी किताब बनाया हुआ है। ठीक ठीक, वो दोनों मिला करके हम पढ़ाते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे क्लास हम 9th का पढ़ा रहे हैं उनको, तो हम उनका लेवल रखेंगे क्लास 8 का, NCERT का किताब होगा, क्लास 8 का किताब रखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा नीचे लेवल का रखते हैं कि वहाँ पे जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी आसानी से समझ सकते हैं और कम पढ़ा लिखा है वो, लेकिन लेवल किसका रखते हैं हम, जो कम पढ़ा लिखा है उसके स्तर का मापदंड का किताब रहता है, उसके हिसाब से पढ़ाते। ये एक बात बताइए, क्योंकि आप फौज में हैं तो आप अपनी हमारी जो कम्युनिटी है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या उनको फौज में आना चाहिए, क्या अपना जो देश की सेवा है वो फौज में आके हो सकती है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे?
एज ए टीचर आप मतलब कि एजुकेट कर रहे हो, क्योंकि आजकल फौज में सब कुछ है, टीचर बनना है वो भी बन सकते हो, इंजीनियर बनना है वो भी बन सकते हो, अगर आप टेलर बनना है तो वो भी अपॉर्चुनिटी, यानी मतलब कि हर तरह का जिसका जो इंटरेस्ट है वो फौज उसको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुना है कि फौजियों को भी एक टीचर की आवश्यकता होती है, फर्स्ट टाइम मैं बिलीव नहीं कर सकते आप खुद पहली बार जाने के बाद ही। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या अपॉर्चुनिटी है? मेरे तरफ से तो यही मैसेज है कि फौज में अगर कोई चाहे कि मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भरा पड़ा है, बिल्कुल भरा पड़ा है। एक आदमी फौज में जा करके एक सिपाही में भर्ती होने के बाद भी एक मतलब ऊपर तक बड़े बड़े लेवल पोस्ट तक जा सकता है। और मैंने ये भी सुना, जैसे अभी आधा घंटा पहले ही बात कर रहे थे कि सबसे रिटायरमेंट की जो डेट है या टाइम है वो सबसे कम फौज में है, मींस 15 साल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है, यानी जिसकी आयु 40 साल में है वो फौज से रिटायरमेंट हो सकती है। तो आपने ये भी बताया कि एक व्यक्ति ने कैसे 40 साल के बाद सक्सेसफुल बिजनेस बैग बनाने का वो जो भी इक्विपमेंट सब बनाने का किया, इसके अलावा कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें? फौज में है कि एक तो आप अगर फौज से रिटायर होके जाते हो तो आपको एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मिलती है कि आपको एक एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो, थोड़ा सा भी आप में जागरूकता है कि बाहर क्या चल रहा है सिविल में, किस तरह का एम्प्लॉयर खाली है, वैकेंसी आ रेलवे में है, रेलवे में कितना कोटा है, क्या हमें थोड़ा सा तैयारी करनी है, अगर हम थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं तो हम रिटायर होने के बाद बहुत ही आसानी से सिविल में सेट हो सकते हैं, नौकरी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि एक्स सर्विसमैन का खाली चला जाता है। कारण क्या है कि हम उनका जो मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो हम अटेंड नहीं कर पाते, कहीं कोई किसी वैकेंसी में उसमें ग्रेजुएट लेवल की चाहिए, सर्टिफिकेट तो हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का सिपाही है जो रिटायर करके उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं, किसी में है कि 40% मार्क्स चाहिए, मिनिमम पास मार्क्स होना है, तो हम इतने फौज में रह करके इतने हम फौजी बन जाते हैं कि हमें बाहर का पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर हमारा थोड़ा कम अगर हो जाता है, हमने अगर नहीं टच में रहे तो फिर हम क्या वो 40 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं 100 में, तो फिर हम वहाँ पे हम मार खा जाए। तो बस यही है कि आदमी अगर रिटायरमेंट हो रहा है और वो थोड़ा सा भी एक्टिव है कि हमें अगर दूसरी पारी खेलने के लिए मजबूत होना है, तैयार होना है और थोड़ी सी तैयारी करे तो आसानी से सिविल में जाके सेट हो जाए। देखिए आप यहाँ आए और सबसे ज्यादा जो मेरे को फौज में अच्छी लगती है वो है सम्मान, के 10 व्यक्ति किसी भी गाँव में जाते हो तो उनको आप कहते हो कि मैं फौज से हूँ तो उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फौज में जाता है सबसे ज़्यादा जो उनको मिलता है सम्मान मिलता है। आज भारत में कहीं भी जाएं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था या पीछे भी फाइट्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ हुई हैं, फौजियों ने अपनी जानें तक भी दी हैं और आज भी उसी दिशा में जा रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप एक ऐसे डिफेंस से बिलोंग करते हो जो देश के लिए समर्पित है जी। तो आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।